गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आर्ट ऑफ स्टडी। आर्ट ऑफ स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस लेसन में हम जो मानव शरीर के तंत्र हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मानव शरीर के तंत्र में है वो है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। इन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र को और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं पाचन तंत्र से। देखिए क्या होता है कि ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथियों में क्या ग्लैंड्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ग्रंथियों को, ग्रंथियों से रस निकलता है और रस से एंजाइम्स बनते हैं और एंजाइम्स क्या करते हैं भोजन को पकाते हैं, मतलब भोजन पकाने, भोजन को पकाने में किस पचाने में सॉरी भोजन को पचाने में किसका योगदान है, एंजाइम्स का। ये क्वेश्चन कई बार SSC में पूछा गया है कि भोजन को पचाने में कौन सहायक होते हैं, तो वो एंजाइम्स होते हैं। और ग्लैंड्स, अगर आपको ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए तो ये होता है पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है पाचन तंत्र से। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले जहाँ से खाना ग्रहण किया जाता है, खाते हैं, उसको हम बोलते हैं मुख गुह। इसी के द्वारा खाना खाते हैं और ये ग्रास नली से होता हुआ भोजन यहाँ पहले लीवर में आता है, लीवर से फिर अमाशय में, और अमाशय से फिर ये लाइम स्टोन, ये बड़ी आंत में, फिर ये छोटी आंत में प्रवेश करके पूरा खाना पच जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड को माल्टोज में बदलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मंड को माल्टोज में कौन बदलता है, तो ये टाइलिन नामक एंजाइम बदलता है जो कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर ये लार में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि यकृत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यकृत तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत, और पित्त का स्त्रावण कौन करता है, यहाँ पर यकृत ही करता है, और यूरिया का निर्माण भी यकृत करता है, विषैले पदार्थ को खत्म करता है वो कौन करता है, यकृत। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विषैले पदार्थ को जो टॉक्सिस को खत्म कौन करता है, तो वो करता है यकृत, और यूरिया का निर्माण कौन करता है, तो वो भी करता है यकृत। और पित्ताशय, यहाँ पर एक काल ब्लैडर होता है जहाँ पर पित्ताशय स्टोर होता है, तो पित्त कहाँ पर स्रोत होता है, पित्ताशय में, ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया। फिर इसके बाद गैस्ट्रिक जठर ग्रंथियों की बात करें हम, तो ये अमाशय के पास ये स्टोमैच होता है अमाशय, और यहाँ पर इस अमाशय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमैच बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक रस का श्रावण करता है, तो अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जठर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो पाई जाती है अमाशय में, और एक किस रस का श्रावण करती है, तो गैस्ट्रिक रस। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो वो भी अमाशय करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है वो भी अमाशय बदलता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, अमाशय, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कौन बनाता है, वो भी अमाशय बदलता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड पेप्सिन नामक रेनिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है अमाशय, अमाशय जो है देखिए ये जो छोटा सा एरिया कहलाता है ये अमाशय कहलाता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम मिलता है। तो क्वेश्चन से जब बनता है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम मिलता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम मिलता है अमाशय में जो पेप्टोन्स एमिनो अम्ल को चेंज करता है, ठीक है। पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में जो चेंज करता है वो कौन करता है, अमाशय करता है। और इसके बाद जो भोजन आता है वो आता है ये छोटी आंत में, छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको, और सबसे ज़्यादा समय तक जो भोजन रहता है छोटी आंत में रहता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी कई बार एग्जाम में देखा गया कि सबसे ज़्यादा भोजन कौन सी आंत में रहता है, वो होता है छोटी आंत में, और उसके बाद भोजन बड़ी आंत से यहाँ जो भी कचरा रहता है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ इस लेसन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, रेट करिए, रिव्यू करिए, कमेंट करिए आपको लेसन कैसे लगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।